गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पाठ 9 चुंबक पाठ पढ़ा रही हूँ। चुंबक आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या करता है, किसी भी चीज को जिसमें लोहा लगा रहता है वो उस चीज को अपनी ओर खींचता है, वो अपनी ओर खींचता है। बच्चों के पास अक्सर देखा गया है। तो ये पाठ भी चुंबक से है। आप अपने बुक ओपन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक पार्ट 9 चुंबक। अब मैं पढ़ रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। रामनगर में एक गडरिया था। गडरिया किसको बोलते हैं? जो भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है जंगल में। वह बहुत गरीब था, उसका नाम चुंबल था। चुंबल ये नाम है बच्चे का, गड़ेरिए का। उसका नाम चुंबल था। वह रोज भेड़े चराने जंगल में जाता था। जंगल का अर्थ होता है वन। एक दिन उसकी एक भेड़ खो गई। उसे ढूंढता हुआ वह पहाड़ी पर चला गया। चलते चलते वह ऐसी चट्टान पर पहुंच गया जहां घास नहीं थी। जब आप पहाड़ पर चलते हैं तो चट्टान रहती है ना, चट्टान पर घास नहीं उगती है। तो उसने भी वो जहां पर चलते चलते ऊपर गया भेड़ को ढूंढने के लिए, वो चट्टान थी, उस पर घास नहीं थी, केवल नंगी चट्टाने थी। वह भेड़ के लिए चट्टानों पर चलने लगा। उन पर चलते समय उसे अपने जूते चट्टानों से चिपकते हुए जान पड़े। क्यों चिपकने लगे? क्योंकि उसके जूते के तल्ले में क्या लगा था? लोहा लगा था, इसलिए उसके जूते जो थे वो पत्थर से चिपकने लगे। उसे आश्चर्य हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा। किस पर हाथ लगाया? चट्टान पर। उसने हाथ लगाकर देखा, लेकिन चट्टानें बिल्कुल सूखी थी, हाथ में चिपकती भी ना थी। चुंबल आगे बढ़ा, लेकिन इस बार भी उसके जूते चट्टानों से चिपकने लगे। वह एक जगह बैठ गया और अपने पैर का एक जूता हाथ में लेकर उसे चट्टानों से छुलाने लगा। जब जब वह अपने शरीर के किसी अंग को चट्टान से स्पर्श कराता या जूते के तल्ले को लगाता, तब तब वे बिल्कुल नहीं चिपकते। लेकिन जब जूते के नालों को, यहाँ जहाँ एड़ी होती है पैर के जूते की तल्ला, हाँ, वहां पर लोहा लगा रहता है ताकि जूते जल्दी ना घिसे। अक्सर कई जूतों में ऐसा होता है और कई में नहीं भी होता है। तब तक वे बिल्कुल नहीं चिपकते, लेकिन जब जूते के नालों को स्पर्श कराता तुरंत, तब वे तुरंत चिपक जाते। लाख सोचने पर भी उसे इसका कारण मालूम नहीं हो रहा था। चुंबल इस बात का पता लगाना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। चुंबल के हाथ में एक बेंत थी। बेंत किसको बोलते हैं? स्टिक, जिसे बूढ़े लोग लेकर के हाथ में लेकर के चलते हैं सपोर्ट के लिए, हाँ, ताकि वो गिरे नहीं। तो चुंबल के हाथ में एक बेंत था जिसके एक सिरे की नोक पर लोहा जड़ा था। उसने उस बेंत को एक चट्टान से छुलाया, मगर वह चिपका नहीं। क्यों नहीं चिपका? क्योंकि उस तरफ लोहा नहीं लगा था। फिर उसने उसके लोहे वाले सिरे को छुलाया, तब तो वह ऐसा चिपक गया कि उसको वह अलग ही नहीं कर सका। चुंबल ने चट्टानों के पत्थरों को भली भांति देखा तो उसे वे लोहे के समान मालूम हुए। वह उनके कुछ टुकड़े घर ले आया। तब से वह चट्टान बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसका नाम चुंबक पड़ गया। चुंबक लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। चुंबक लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आप लोग सबसे पहले लेसन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे और लेसन लिखेंगे, ठीक है? वन पेज आप राइटिंग लिखेंगे सबसे पहले वन पेज राइटिंग लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है?
शब्दार्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ गररिया, फर्स्ट बीट है ये, गररिया भेड़ चराने वाला। हाँ, भेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीप, SHEEP। सेकंड छुलाना, छुलाना का अर्थ होता है स्पर्श करना। तल्ला, नीचे का भाग। चिपकना, सटना। सिरा, कोना। जंगल, वन। चट्टान, पत्थर। आश्चर्य, अचंभा। ये एक मीनिंग है, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर, ये सेकंड बिट है देखिए, और मीनिंग लिखने के बाद मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आप लोग बुक से कॉपी करेंगे। पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, उत्तर लिखो। ये सेकंड बिट है, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में आप लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसके बाद फर्स्ट आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड को कॉपी करोगे क्वेश्चन, फिर सेकंड आंसर। इसी तरह फोर क्वेश्चन जो है कॉपी करके, ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं वन बाय वन, एक एक करके क्वेश्चन उतार करके आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबल कौन था और वह रोज क्या करता था? इसका आंसर है, चुंबल एक गडरिया था और वह रोज भेड़े चराया करता था। वन मिनट, चराया करता। करता था। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबल ने अपने बेंत को किससे छुलाया क्यों? हाँ, चुंबल ने अपनी बेंत को एक चट्टान से छुलाया। वह यह जानना चाहता था कि उसके जूते के तल्ले चट्टान से क्यों चिपक रहे हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चट्टान के पत्थर चुंबल को कैसे मालूम हुए? अब थर्ड आंसर, चट्टान के पत्थर चुंबल को लोहे के समान मालूम हुए। फिर फोर्थ क्वेश्चन, चुंबल क्या करता है? चुंबक क्या करता है? चुंबक लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये फोर मैंने आंसर लिख दिए, क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से कॉपी करिएगा। फिर थर्ड बिट देखिए, थर्ड बिट भी मैं दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, तो फर्स्ट में यहां पे मैं साइड में लिख दे रही हूं, ये फोर्थ बिट है, फोर्थ बिट, फोर्थ बिट में है, वह गरीब था, डैश दिया बना, तो आप लोग फर्स्ट में क्या लिखोगे? बहुत, बहुत, बहुत। सेकंड, हाथ में, एक मिनट, हाथ में एक बेंत था, नहीं, वेट एक मिनट, मैं बता रही हूं, वेट वन मिनट बेटा, प्लीज, सॉरी, वन मिनट। हाथ में चिपकती, ची प करती, हाथ में चिपकती ना थी। थर्ड में, चुंबल के हाथ में, उसमें दो वर्ड हैं, चुंबल के हाथ, फर्स्ट वाले में हाथ लिखोगे और सेकंड वाले में एक, और फोर्थ में, तब से वह चट्टान, इसमें भी दो शब्द बने हैं, पहला चट्टान है और दूसरा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध,
इस तरह ये आप लोग लिखेंगे। फोर्थ बिट सेकंड बिट में बुक के हिसाब से सेकंड बिट है और मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उस हिसाब से ये फोर्थ बिट है। थर्ड बिट में देखें निम्न वाक्यों को वर्तमान काल में लिखे। फिफ्थ बिट देखिए फर्स्ट बिट में वर्ड मीनिंग है, सेकंड बिट में क्वेश्चन के आंसर हैं, थर्ड बिट में आपका खाली जगह भरो है और फोर्थ बिट में आपका वाक्यों को वर्तमान काल में बदलना है। तो फोर्थ बिट निम्न वाक्यों को वर्तमान काल में फोर्थ बिट में वर्तमान काल में बदलो। तो आप पहले ये भूतकाल में दिया हुआ है वाक्य, इसको पहले कॉपी करोगे उसके बाद वर्तमान काल में लिखेंगे। भूतकाल में दिया हुआ है, देखिए काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये वाक्य जो है भूतकाल में दिया हुआ है और आप इसको वर्तमान काल में लिखेंगे। पहला है रामनगर में एक गडरिया था, तो इसको क्या लिखेंगे, रामनगर में एक गडरिया रहता है। था की जगह खाली आपने है लिखना है बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। रामनगर में एक गडरिया रहता है। सेकंड है चुंबल इस बात का पता लगाना चाहता था, इस सेकंड को क्या लिखेंगे, चुंबल इस बात का पता लगाना चाहता है। थर्ड है चुंबल के हाथ में एक बेत था, चुंबल के हाथ में एक बेत है। फोर्थ बिट है जिसके एक सिरे की नोक पर लोहा जड़ा था, जिसके एक सिरे की नोक पर लोहा जड़ा है। अब ये आपका पूरा मैंने लिख दिया, आप लोग बहुत ही सफाई के साथ वन लाइन लीव करके आप लिखेंगे, ठीक है। फिर व्याकरण में आप लोग जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आ गया समझ में सबको, धन्यवाद।